मूली का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के प्याज लिए और इसे एकदम बारीक कट किया है। इसके बाद मूली, यहाँ पे मैंने 2 मूली लिए और इसे घीस लिया है। गेहूँ का आटा लिया है मैंने यहाँ पे 4 कप, नमक स्वाद अनुसार, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, हरी मिर्च लिए यहाँ पे मैंने 3 बारीक कटी हुई, इसकी जगह आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, हरा धनिया कटा हुआ और कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैंने एक पराठा लिए, अभी हम इसमें मूली डालेंगे। ठंडी के मौसम में मूली बहुत अच्छी मिलती है और ये पराठे बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं और हेल्दी भी। इसके बाद प्याज, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ज्यादा ली है, आप इसकी जगह मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद अमचूर पाउडर, अभी हम इसमें गेहूं का आटा डालते हैं, ये नॉर्मल गेहूं का आटा है। अभी हम इसमें हरा धनिया डालते हैं और सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स किया है, अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका चपाती की तरह आटा गूंद लेंगे। इस तरह से मैंने आटा गूंद लिया, ना ज्यादा सख्त और ना ज्यादा मुलायम। सॉरी दोस्तों, मैंने नमक डालना भूल गई थी, फिर मैंने बाद में इसमें नमक डाला। अभी हम तेल लेंगे हाथों पर 1 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से एक बार, ताकि ये जो आटा है अच्छे से चिकना हो जाए। और हम इसे तुरंत बेलेंगे, ताकि ये जो प्याज है उसका पानी छूटता है, इस वजह से हम इसे तुरंत बेलेंगे। हमारा पराठे का आटा रेडी हो गया है और इसे लगाने के लिए मैंने सूखा आटा लिया है गेहूं का, और मैंने इधर गैस के ऊपर तवा रख दिया है। अभी हम हाथों को थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और आटा लेते हैं और इसे सूखे आटे में लपेटेंगे हम, और हम इसे बेल लेते हैं, न ज्यादा मोटा और न ज्यादा पतला। इस तरह से मैंने पराठे को बेल लिया है, अभी हम इसे तवे के ऊपर डालेंगे। तवा भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें आधा चम्मच तेल डालेंगे। आप तेल की जगह घी या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम पराठा को तवे के ऊपर डालते हैं। अभी मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई किया है, 1 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। पराठे को दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अभी हम इसे तेल लगाएंगे सब साइड से अच्छे से। और इसे हम पलटेंगे और दूसरे साइड से भी हम अच्छे से तेल लगाएंगे। पेस्ट करके हम दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे। इस तरह से पराठा का कलर अच्छे से गोल्डन आ गया है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से हम बाकी के भी पराठे बना लेते हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा कि मूली के पराठे कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनते हैं और ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। आप इसे बच्चों के टिफिन में ले सकते हैं या फिर इसे आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनते हैं।
अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी हम पराठा को तवे के ऊपर डालते हैं। अभी मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई किया है। एक मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। पराठे को दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अभी हम इसे तेल लगाएंगे सब साइड से अच्छे से। और इसे हम पलटेंगे और दूसरे साइड से भी हम अच्छे से तेल लगाएंगे। पेस्ट करके हम दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। इस तरह से पराठा का कलर अच्छे से गोल्डन आ गया है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से हम बाकी के भी पराठे बना लेते हैं।